فعل ربك من أصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. सुबह से हर शाम से घबराए हुए हैं, कुछ ऐसा करो हमको
जा रहे हैं, हम गर्दिशी अलियाम से घबराए रहे हैं। असल में आज की महफिल जिस नाम से मंसूब है तो वही एक नाम और वही एक तस्करा है कि जिससे इस धरती को पना रह सकता है। प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने कहा था कि दुनिया तुझे भटकते बहुत देर हो गई, दुनिया तुझे भटकते बहुत देर हो गई, कुछ दिन मेरे रसूल के पदों में आके देख। लेकिन ये महफिल वो है कि इसमें इंसान का अपना बस नहीं चलता, बल्कि वही आते हैं जो बुलाए जाते हैं, जिनको तौफीक में बुलाबंदी होती है। हरचंद के शेख एजाज साहब ने काफ़ी लोगों को बुलाया, मैंने भी काफ़ी लोगों को बुलाया, लेकिन बात वही आ जाती है कि तौफीक में बुलाबंदी से घर आदमी होता है। लेकिन लोग जितने भी हैं यहाँ पर और जितने आएंगे, ये समझ लेना चाहिए कि नेक काम के और अच्छे काम के जो फ्यूज बरकत होते हैं वो क्वान्टिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर चलते हैं, मैं मकदार पर नहीं बल्कि मैार पर चलते हैं। आप लोग जो भी आए यहाँ पर तशरीफ का अपना फिल्म के वक्त निकाला, तो इंशाल्लाह इसकी बरकतें होंगी। आज ऐसा लग रहा है कि दुनिया कयामत के अखबार में दाखिल हो गई है। एक छोटी मानस से हम गुजर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं कि अस्पताल पाकिस्तान कहीं पर जगह नहीं है इंसानों के लिए, तो एक ऐसे दौर में फिर भी इंसान सिर्फ अपना अपना अपने लिए अपनी फैमिली के लिए अगर जिए तो उससे ज़्यादा बदकिस्मती और इससे ज़्यादा बुरा होता क्या आ सकता है। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, बहरहाल जहाँ पर जितने भी लोग हैं सबसे मेरी गुजारिश है कि अपना अपना कंट्रीब्यूशन लगा के जाए, इंशाल्लाह इससे बरकत होगी। शेख एजाज साहब को बड़े अरसे तरीके से दिख रहा हूँ मैंने, बल्कि उनका एक जुनून है और एक जज्बा है माशाल्लाह कौम के लिए कि वो हालात कैसे भी हों उसका अपना सफर जारी रखते हैं। मैंने काफ़ी इनसे गुजारिश की कि ना करें, लेकिन बहरहाल उनका एक जज्बा है तो पता नहीं कितनी फैमिली है। अगर इस आज की इस महफिल से कम अज़ कम 10 फैमिलीज भी अगर सर्वाइव कर रही हैं, उन तक मदद पहुँच जाए और उनके अंदर जिंदगी के रमक पैदा हो जाए तो यकीन करें इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता। खिदमत खल्क जो है वो सबसे बड़ा जज्बा है। नमाज कुरान रोज़े ज़कात ये तो हम पढ़ते हैं अपने लिए करते हैं, इसकी अल्लाह को जरूरत नहीं है, लेकिन जिस कर्ब से और जिस दर्द से इस वक्त हमारी कौम गुजर रही है, उम्मत गुजर रही है, उसके लिए एक एक डॉलर एक एक हज़ार के बराबर है। तो इसके लिए हमारा ये फ़र्ज है कि जहाँ अपनी फैमिली के सोचें ईद मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, उसमें कम अज़ कम एक फैमिली हम अपने साथ अगर शामिल कर लें, दाखिल कर लें, तो यकीन कर लें कि इसकी बरकतें और इसके फ़ायदे इसके नतज पूरे साथ हमारी फैमिली पर पड़ती रहेंगी। कहने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, वक्त नहीं है, वक्त बहुत तंग है। अब 6:45 हो रहे हैं और 8:05-10 पर इफ्तार हमें करनी है, तो जो भी लम्हा है बहुत कीमती है। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि हमारी दावत पर एक ऐसी बदलाफामी शख्सियत यहाँ पर तशरीफ लाई है कि जिनकी आवाज़ और जिनका तरन्नुम और जिनके खूबसूरत नात के झरनों से पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह फैज़याब हो रही है और जगमगा रही है। आप उन्हें देखते रहते हैं ARY TV के ज़रिए और दूसरे चैनल के ज़रिए। नूर मोहम्मद जर्रार साहब नात का एक बहुत ही बड़ा नुमाया नाम है, काबिल एहतराम हमारे लिए हैं। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं स्टेज पर ताकि इसकी आबो रह जाए स्टेज की कम अज़ कम। और जर्रार साहब के बारे में बता दूँ कि साहिब दीवान शायर भी हैं और अल्लाह ने इतनी खसूसियात से इन्हें नवाजा है कि बेहतरीन खत्तात हैं। अमेरिका में मुझे कोई ऐसी शख्सियत नहीं मिलती जिसे अल्लाह ने आवाज़ के साथ साथ अंदाज खिताबत से भी नवाजा हो और फन खत्ताती से भी नवाजा हो। और अभी पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं चूँकि वहाँ पर भी इनकी काफ़ी माशाल्लाह डिमांड है, लेकिन इसमें बहुत अहम रोल अदा किया और हमारा तआवुन किया हमारे कम्यूनिटी लीडर इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत। सिटी काउंसिल के इलेक्शन में भी खड़े हुए थे माशाल्लाह, मैं एक अरसे जानता हूँ कौम की कोई भी खिदमत हो आधी रात को तैयार रहते हैं, अपने पास से खर्च करके वक्त पैसा सब लगा के माशाल्लाह करते हैं। उनके तवस्सुल से मोहम्मद जर्रार साहब ने जहमत की, अभी तशरीफ लाया पाकिस्तान से कल और आज यहाँ आ गए तो जेट लैग से गुजर रहे होंगे, तो इसके लिए इनका ही बड़ा कीमती वक्त है। इनकी खिदमत सियासी समाजी अदबी और TV चैनल पर भी माशाल्लाह आ रहा है, मुझे खलील साहब की है कि अपना कीमती वक्त निकाला है, उससे गुजारिश कर रहा हूँ।
लोग साथ आते गए होता गया तो ये दे रहे हैं। उससे पहले मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ हमारी कम्युनिटी की एक इंतहाई शख्सियत जो हमारी आवाज़ पर तशरीफ लाते हैं, हालांकि उनका आवाज़ बहुत कीमती है, मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए रहते हैं, उलामा तो बहुत है लेकिन एक ऐसे आलिम दीन है कि जिनकी जो है कमी हर जगह महसूस की जाती है ना, और पूरी कम्युनिटी को लेकर चलते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी कौम को इत्तेहाद की है, मोहब्बत की है, उखुव्वत की है, बगैर किसी तफरके, बगैर किसी मसलक के वो कम्युनिटी को यकजा करने के लिए हमेशा जुटे रहते हैं। अल्लाह ने जज़ा खैर अता फरमाई, माँ मोहम्मद असीम साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएँ, और अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ शेख एजाज साहब से कि जो ब्यूटी ऑफ कम्युनिटी के हमारे चेयरमैन हैं कि वो ब्यूटी ऑफ कम्युनिटी के बारे में कुछ यहाँ पर बता दें और फिर प्रोग्राम का आगाज। अस्सलामुअलैकुम, ये भी आज की महफिल में माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने कमिट किया था, और देखिए अभी आने हो सकता है कुछ कह रहे थे कुछ लोग देर करके आएंगे, बहरहाल हम इंतज़ार करते हैं। ब्यूटी और मेडिक मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा कि ये हमने कैसे स्टार्ट की, कैसे ये शुरू हुई, और ये मैं 100% ये कहूँगा इसमें मेरी कोशिश का कोई दखल नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से हुई। मुझे याद है 2004 में मैं पाकिस्तान में था तो वहाँ सुनामी आया, तो वो अलहमरा हॉल में एक मुशायरा हुआ फंड रेजिंग, उस मुशायरे में नाचिस को भी मधु किया गया, तो वहाँ से एक जज्बा मेरे दिल में उभरा कि भाई ये जो इतनी तबाही होती है, ये जो बेघर हो जाते हैं उनका कुछ करना चाहिए। तो खैर जब मैं वापस आया तो एक महफिल में बातचीत हो रही थी कि भाई कुछ हमें भी गरीबों के लिए या क्या जो मुस्तहिक लोग हैं उन लोगों की हमें खिदमत करनी चाहिए, तो वहाँ मुझे इंस्पायरेशन हुई, दोस्त आपा ने कहा ठीक है आप तो करें हम साथ हैं आपके, तो मैं तो तैयार बैठा था, दूसरे दिन से ही मैं इसमें लग गया। तो अल्लाह का करम है कि हमें 501(c)(3) जो कि इतना वक्त लेती है तो उसका हमारे एक साल के अंदर 501(c)(3) अप्रूव हो गया। अब किस्मत की खूबी देखिए, जब ये अप्रूव हो गई तो मैं मस्जिद में बैठा था तो वहाँ मुझे जो मेरे साथी थे, क्योंकि उसमें 3 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है, तो 2 जो थे वो कहने लगे, वो मौज़ूर की उन्होंने कि भाई हम तो नहीं शामिल हो सकते, तो उससे मैं इतना बददिल हुआ, ये मस्जिद की बात मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ एक साहब ने मैंने जिक्र किया कि यार मैं बड़ा परेशान हूँ, सब कुछ अप्रूव हो गया, सब कुछ है, तो मैं इसको मैं डिसॉल्व करना चाहता हूँ। तो वो उन्होंने कहा कि देखिए आप नए काम के लिए शुरू किया आपने और इससे मत घबराइए, मैं आपके साथ शामिल हूँ। और एक रात उठकर उन्होंने कोई इंस्पायर ऐसे किया मस्जिद में ही हुआ कि भाई अल्लाह के नाम पर आपने शुरू किया तो करिए इसको। तो आप यकीन करें 2 आदमियों के साथ मिल के हमने पहली फंडरेजिंग 2007 में मस्जिद से शुरू की। अल्लाह का करम देखिए कि उसमें इतनी डोनेशन इकट्ठी हो गई कि हमने $5,000 फौरन बांग्लादेश भेज दिए, वहाँ से अलाब गद्दार की इमदाद की, उसके बाद से ये सिलसिला चलता रहा। फिर मुझे भी इसमें इतना मज़ा आया और मुझे बिल्कुल झिझक नहीं, मैं तो फॉलो करता हूँ अब्दुल सत्तार एदी को,
कि उनके आपने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी कि वो किस तरीके से ठेले पे मरीजों को लेके जाते थे। उनका ख्वाब था, ड्रीम था उनका कि जी मैं मेरे को एम्बुलेंस हो जाए मेरे पास। अल्लाह का करना ये हुआ कि वो एम्बुलेंस क्या कि उनका इतना काम आजकल बढ़ गया है कि आप अंदाज़ा करें कि उनके हेलीकॉप्टर हैं, उनका मेरा काम कई ट्रिलियन डॉलर से बिलियन डॉलर तो मैं कहूँगा कि है। वो सिलसिला चलता रहा हमारा और हम इस वक्त। अब मेरा ड्रीम ये था कि जी हमारे पास एक वैन हो और हम वो उस वैन के थ्रू हम जहाँ जहाँ हम पहुँच सकते हैं वहाँ हम खुराक पहुँचाएँ। ये अल्लाह की कुदरत देखिए कि पिछले साल हमारी एक मैंने ना उन्होंने मना किया मेरा नाम लेने से, लेकिन इस सारे खैर में पेंसिल्वेनिया से एक शख्सियत है, खातून है, वो इस कदर इन्वॉल्व है हमारे ब्यूटी ऑफ हिंदी के साथ, आप यकीन करें कि वो कोई मौका नहीं छोड़ती फंड रेजिंग का, लोगों को इंस्पायर करती। उनकी इंस्पायरेशन से हमारा अभी पिछले एक दो महीने हुए वैन के लिए हमारे पास फंड इकट्ठे हो गए, वैन हमने ऑर्डर कर दी। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है वो चंद दिनों में वो हमारे वैन कर्जे में आ जाएगी। तो हमने ये तय किया कि हमने मंथली बेसिस पे लोगों को खुराक पहुंचाने का इंतज़ाम शुरू कर दिया है और ये लखनऊ में और कराची में उसकी तस्वीरें हैं, आप देखेंगे कि वो इंशाल्लाह जब आएगी मैं दिखाऊंगा। तो वो शुरू हो गया काम और इतने लोग जो हैं वो उससे मुस्तफीद हो रहे हैं, इतनी दुआएं दे रहे हैं कि ये अल्लाह जानता है। तो बस आप लोगों से यही हुआ है, क्योंकि कोशिश इंसान की होती है, करना अल्लाह ने है, तो अल्लाह ताला इस पे वो दुआ हमारी कि अल्लाह ताला इसको पूरा करे जो हमारे ख्वाब होते हैं। पर हम अपने आप के लिए अगर आप ये देखिए कि हमने से बेशुमार लोग बहुत अच्छा खा पी रहे हैं, सब कुछ है, हमारे पास फंड्स भी हैं सब कुछ। अगर उसमें से मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरी ज़रा सी कोशिश से किसी का भला हो जाए, किसी का चूल्हा जल जाए, किसी को एक रोटी मिल जाए, तो क्या बुरा है। तो ये अल्लाह ताला ने कुछ सिलसिला ऐसा कर दिया और इंशाल्लाह ये इस साल मैं आपको बताऊँ जो मेरा एस्टिमेट है, इस साल इंशाल्लाह पिछले 14 सालों से सबसे ज़्यादा फंड रेजिंग इसी साल होगी इंशाल्लाह। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जो आपसे हो सके मैं तो इसको कोशिश में भी ये है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करो कि मंथली हमने जो शुरू किया खुराक का सिलसिला, अगर आप लोग मंथली हमें दे दें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इंशाल्लाह मैं हर एक को फर्दन कह रहा हूँ, टेक्स्ट मैसेज भेज रहा हूँ, मेल कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह की दाद से बहुत उम्मीद है कि ये हमारा सिलसिला बहुत कामयाब हो। तो मैं अब वक्त की कमी है, नहीं तो और भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त की कमी की वजह से हमने ये प्रोग्राम ख़त्म करना। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा कर दूँ नूर जर्राद साहब का, जो पाकिस्तान से अभी तशरीफ लाए थे लेकिन हमारे कहने पर तशरीफ लाए हैं, तो उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। जनाब मुजीब साहब हमारे दोस्त हैं, इन्होंने वक्त निकाल के हमारे पास आए हैं, और जनाब असीम साहब ये माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में हमेशा आते हैं, तो मैं सबका शुक्रिया और बाकी आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपको तशरीफ लाए और इस नए काम में आप लोगों ने हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लिए खुशी की बात है, माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में कम्युनिटी की एक इंतहाई मोतबर मौजूद शख्सियत वाला साहब की तशरीफ लाए, आपके आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर माशाल्लाह जिसके नाम है हमें उसी पर नज़र रखनी चाहिए और जिसमें जो भी अदरात है कम्युनिटी के बहुत ही नुमाया और इंतहाई अहम नाम है, मैं सबसे शायद वाकिफ ना हूँ, लेकिन शाजिया खान हमारे शहर का बहुत ही बिलखसूस रेडियो की दुनिया का और कम्युनिटी का एक बहुत ही अहम किरदार अदा करने वाली शख्सियत का नाम है। दूसरे शौकत मोहम्मद साहब, कोई भी प्रोग्राम हो शहर का उसकी ज़रूरत है, इसकी जान वो भी यहाँ से शुरू किया है। अब बगैर किसी तारीख के मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहम्मद आसिफ साहब से कि वो आए और अपनी कुछ मुतबर्रिक चंद मारूजा से इस महफिल का आगाज़ फरमा दें। اسلام علیکم
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صلى الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى مسلم صل عليه سب سے پہلے تو میں شیخ صاحب ماشاء اللہ آپ نے جو محنت کی ہے جو آپ کے یہاں اپنے جو جذبات کا اظہار کیا ہے اللہ تعالیٰ فتح ہمارے مولوی صاحب آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی معاونین ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو قبول فرمائے اور اس موقع پہ ویسے کبھی کبھی مجھے وظیفہ یاد آتا ہوتا ہے تو بھی شیخ صاحب جو جس طرح سے اظہار فرما رہے تھے کہ کافی لوگوں کو دعوت دی ہے وہ آ نہیں پائی یا راستے میں ہوں گے ممکن آ بھی جائیں انشاءاللہ لیکن خصوصاً جب کبھی کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے اور جس میں ہمارا تعداد اگر کم ہو تو مجھے یہ لطیفہ اکثر ہوگا یاد ہوتا ہے کہ یہ جلال صاحب اسپیشلی آپ کے لیے کہ افریقہ میں میں تھا بوتسوانا میں تو ہمارے یہاں ایک مہمان آئے زمبابوے سے تو ان نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا بھائی اصل میں ہوا یہ کہ ہمارے ساتھ کے دو دن پرانی بات تھی انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے یہاں ایک اور مہمان آئے ان کے یہاں تو وہ کہیں جا رہے تھے انہوں نے کہا بھائی نماز پڑھنے جانا ہے تو انہوں نے کہا بھائی نہیں ہم نے فلاں مسجد میں وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے تو وہ انہوں نے کہا بھائی اچھا قریب میں بھی ہوگی بس انہوں نے کہا نہیں بھائی وہاں ذرا دل ہمارا دل لگتا ہے تو وہاں پہ جائیں گے تو ساتھ میں کسی ایک اور پروگرام سے گزرے تو وہاں جو ہے بڑا کراؤڈ تھا اور وہاں بس لوگوں نے وہاں بوریاں بھی لا دی تو وہ جو ساتھ مہمان تھا انہوں نے کہا بھائی دیکھو یار وہاں کتنا کراؤڈ تھا کتنی رونق تھی وہاں پہ اور تو یہاں پہ دو تین آدمی یار تو یہ کیا اس کا مقصد ہے انہوں نے کہا کبھی ہم نے سفر کیا ہوائی جہاز میں کبھی سفر کیا انہیں گھر تو کرتے ہیں اس کا یہ بتاؤں کہ نا وہ کلاسز ہوتی ہیں نا یہ اکانومی کلاس ہے یہ فرسٹ کلاس ہے بزنس کلاس ہے اور بتاؤ بھیڑ زیادہ کہاں ہوتی ہے بھائی آف کورس کہ بھائی پیچھے زیادہ ہوتی ہے تو انہوں نے کہا یہ فرسٹ کلاس ہے کہ ہاں یہاں ایک سب جو ہے نا فرسٹ کلاس ہے بھی آگے یہاں ماشاء اللہ سارے کیپٹنس ہیں تو شیخ صاحب گھبرائیے نہیں ان شاء اللہ ماشاء اللہ یہاں پہ سارے کیپٹنس ہیں آج ایک تو یہ فرسٹ کلاس کے لوگ ہیں جیسے کہ انہوں نے اپنا روحی صاحب نے ذکر کیا کہ کہتے ہیں نا کوالٹی از بیٹر دین کوانٹیٹی تو یہاں کوالٹی کے لوگ ہیں یہاں لوگ جو بھی ہیں دو ہیں چار ہیں جذبات لے کے آئے ہیں اور میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ ابھی یہ عرض کر رہا تھا کہ میں بیسیکلی جلال صاحب کا جو دیکھا نا ماشاء اللہ وہ تشریف لا رہے ہیں اور مجیب قاضی صاحب جو کہ ہماری کمیونٹی کے ایک لیڈر بھی ہیں اور ماشاء اللہ بڑی اچھی شخصیت ہیں تو میں کہا بھائی اچھا اس بہانے جو ہے نا ہمیں ان کو سننے کو موقع مل جائے گا جلال صاحب ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ٹیلنٹ سے نوازا ہے بہت عرصہ پہلے 2001 میں مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی ہماری وہ جو کیا کہتے ہیں انور میں فرسٹ ٹائم میں نے سنا وہاں پہ تو میں بڑا امپریس ہوا تو بڑے عرصے کے بعد دوبارہ جو ہے ٹائم ٹو ٹائم ملاقات ہوتی رہتی ہے لیکن آپ کافی عرصے کے بعد یہ موقع ملا ہمیں ان کو سننے کا تو اصل یہ ہے کہ ہم نے ان کو سننا ہے آج اور ان کو ٹائم دینا ہے تاکہ ہم سب جو ہے نا اپنے ایمان کو اپنے تازہ کر سکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کر سکیں چونکہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہر جگہ پہ نا پاکستان میں دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے یعنی کیا ہنگامے ہو رہے ہیں دنیا میں کیا رہا ہے لوگ جو ہیں وہ فرانس میں کس طرح سے بلاسفیمی اور کس طرح سے ہو رہا ہے یہ ایک ایسے موقع ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کریں اور ان کو سنیں یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مشن ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ کنیکٹ وہ کریں یہ بڑا مشن ہوگا بہر اعجاز صاحب آپ نے جس کاوش اور جس محبت کا اظہار کیا ہے جس جذبات کا اظہار کر رہے ہیں تو اس موقع میں مجھے ایک اور بات یاد آتی ہے یہ اعجاز صاحب آپ کے لیے شیخ صاحب آپ کے لیے ہے کہ ایک آرٹیکل تھا مجھے یاد نہیں کہ میں نے کہاں یہ آرٹیکل پڑھا کتنا اتھینٹک ہے لیکن کچھ اس میں جان ہے جب سیدہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ کتنی بڑی تھی وہ کتنی سخت آگ تھی کہ پرندے بھی جو ہے نا وہ اوپر سے نہیں گزر سکتے تھے تو وہ ایک چڑیا جو ہے نا چونچ میں بالکل ایک قطرہ پانی لے کے وہ باغی مانگی جا رہے تھے تو اس سے پوچھا کہ بھائی تیری اس ایک جو ہے نا وہ ایک بوند سے یہ کیا اتنی آگ بجھے گی تو اس کا جواب بڑا مزے کا تھا
जवाब उसका ये था कि ये तो मैं नहीं समझती हूँ कि इससे आप बुझेगी, लेकिन मैं अपना किरदार अदा कर रही हूँ, मैं अपना हिस्सा डाल रही हूँ उसमें। तो शेख साहब आप अपना हिस्सा डालते रहिए, ये आप हिस्सा डालते रहिए और इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि अल्लाह ताला जो है वो इस आपके इस हिस्से को कबूल फरमाए और जो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, जो इसे दावन कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके हिस्से को कबूल फरमाए। तो मैं आखिरी बात अर्ज करूँ कि देखिए जिस तरह के नूर साहब जिक्र कर रहे थे कि देखो नमाज रोजा हज ज़कात आज हम रोजा रखे हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बड़ा नवाजा है कि हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर बड़े बड़े हैं, खाना इतना वाफर मकदार में है कि हमें फेंकना पड़ता है। हर घर में ये ऐसे होता है, शहरी में तो हफ्ता शहरी जो फेंकना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली, यानी इसको कुछ ये नहीं करना चाहिए कि हमें अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है जो रियलिटी है। तो हम चंद घंटों के लिए अगर वो भूख और प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, और पहली बात यह कि हमें भूख प्यास लगती ही नहीं है, तो ये खा इतना देते हैं शहरी में कि वो ओवर ईट कर लेते हैं कि हमें तो इसका एहसास भी नहीं होता, और फिर भी अगर इनकेस अगर ऐसा एहसास होता भी है तो फिर भी हम उम्मीद है कि शाम को घर पे जाएंगे तो 10 डिशें हमारे पास होंगी, इतना खाना होगा। अगर इनकेस अगर हमें ऐसे भूख और प्यास, और असल रोजे का मिशन है क्या, रोजा हमें सिखाता क्या, बाकी अपनी जगहों पे तकवा हर जगह अपनी जगह पे है, लेकिन एक रोजे का वो मकसद जो है वो फिलॉसफी जो है कि अपने आप को जब भूख और प्यास बर्दाश्त करें ना, जब हम भूख और प्यास से गुजरें तो हमें उन लोगों का एहसास हो कि जो सारा साल रोजे से होते हैं। अपने शेख साहब के साथ से जिक्र कर रहे थे कि लोगों को देखा कि भाई लोग कैसे सफरिंग कर रहे हैं, यानी किन किन की मुश्किलों से गुजर रहे हैं, उनको खाना प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने आप को एक सेकंड के लिए फील करें कि हम उनकी जगह पे हों, यानी हम उनकी जगह पे हों, और हमें एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, 10 दिन नहीं, कितने दिन हमें बिल्कुल मुख्तसर कितना खाना मिले कि हम सर्वाइव कर रहे हैं, तो हमारी क्या सिचुएशन होगी, हमारी क्या पोजिशन होगी। तो एक सेकंड के लिए उनको उनकी जगह पे अपने आप को रखें तो फिर हमें एहसास होता है कि नहीं हमें कुछ करना है। तो ये कलेक्टिवली एक एफर्ट्स होती है, तो जिससे जो होता है मैं समझता हूँ कि सोसाइटीज में या हमारी ह्यूमैनिटी में तो ग्रोथ होती है, और उसे के तावन से ही मैं समझता हूँ कि भाई हम एक जो है मिलजुल के कुछ ऐसा काम कर सकते हैं ताकि ह्यूमैनिटी जो है वो रिवाइव हो, और अल्लाह ताला जो है इसको कबूल फरमाए। दर तलाब गिर रहा था तुम शिको बीमार नहीं बोल कि तुम मैं से कोई भी नेकी नहीं पा सकता अंदस के वो खर्च कर जो तुम्हें ज़्यादा महबूब हो। तो सबसे ज़्यादा पैसा महबूब होता है आजकल, इसी उनके लिए तो कभी अकाउंट में डालते हैं, कभी जेब में डालते हैं, कभी लॉकर में डालते हैं, कभी कहाँ डालते हैं, बड़ा सवाल समाज करते हैं। तो अल्लाह ताला जो हमें तोफीक अता फरमाए, सबको तोफीक अता फरमाए, इसको खर्च करें और शेख साहब को पूरा साथ दें, अल्लाह का शुक्र है। आज की महफिल में चलते हैं, डूब जाइए और सुरूर से आप मसरूर हो जाइए। नूर मोहम्मद जरार साहब को असल में लोग घंटों सुनते हैं और उसके बाद में चश्मे की रह जाती है, जी चाहता है और सुनाए और सुनाए, लेकिन वक्त की तंगी है। बहरहाल जितना सुने बहुत दिलजमी के साथ सुने। आइए हम से गुजारिश करते हैं, 7:07 हो रहे हैं, मैं समझता हूँ इसको ऐसा कर लेते हैं, हम कैलकुलेट के 7:35 तक उनको सुनते हैं, और मुजीब खलील साहब यहाँ पर फंडरेजिंग के लिए आएंगे तो 10 इंशाल्लाह हम उनसे मुस्तफ़ीज़ होंगे, और उसके बाद हम दुआ की दरख्वास्त करेंगे वहाँ मुदस्सिम साहब से, चूँकि ये जो वक्त होता है इफ्तार का ये बहुत कबूलियत का वक्त होता है, जितनी आपके आरज़ू हैं जिसके लिए मैं फिर सजी है जी भर के मांगिए, पूरी दुनिया के लिए मांगिए, कोरोना के लिए मांगिए, और अल्लाह आज की इस महफिल की बरकत से पूरी दुनिया से इस वबा को उठा ले। अब हम बहुत थक गए हैं, बहुत कमज़ोर और मजबूर हो गए हैं। आइए आज की ये मुख्तसर लेकिन बड़ी अहम मकसद के लिए मुनक्कद की गई ये फंड रेजिंग मीटिंग जो है, उसमें मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। मैं इसे अपने लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम समझता हूँ, वरना मुझ जैसा एक गुनहगार आदमी इतनी नेक और अच्छे मकसद के लिए अपनी मर्ज़ी से वक्त सर्व कर ले मुमकिन नहीं है। रमज़ान मुबारक में बिलखसूस अफ्तारी के करीब पढ़ना बहुत मुश्किल बात है, गला खुश्क हो चुका होता है, फिर मैं
ट्रैवल कर रहा हूँ पिछले दिनों से, मैं एक दिन पहले पाकिस्तान से आया हूँ, फिर आज सुबह वाशिंगटन डीसी से आया, तो कोशिश करता हूँ कि मैं नात के चंद नातिया कलाम आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ, और फिर इंशाल्लाह एक बिल्कुल नई नात है हाफिज़ साहब मैं पेश करता हूँ। दरे रसूल पे हल्फे सवार रहने दे, दरे रसूल पे हल्फे सवार जानते हैं सभी अर्ज़े हाल रहने दे, वो जानते हैं सभी अर्ज़े हाल रहने दे, मेरे तलब नहीं होना, मेरे गरीब मुझे जर तलब नहीं, मेरे नसीब को मिदहत मकार रहने दे, मेरे नसीब को मिदहत मकार रहने दे। ये दिल है सीने में रखने का फायदा क्या है, ये दिल है सीने में रखने का फायदा क्या, इसे पाए मार रहने दे, दरे नबी पे इसे पाए मार रहने दे, वो जानते हैं सभी Yeah.
बैठे हुए आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। आका ने सलाम ने कुछ सहाबा को देखा कि वो मुसलसल रोजा रखते हैं, तो आपने इस्तफसार किया कि एक सहाबी से क्यों मुसलसल रोजा रखते हो, तो उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि आप रखते हैं तो जिस तवातुर से आप रखते हैं हम भी उसी तरह रखते हैं। तो आपने फरमाया कि अय्युकुम मिस्ली, तुम में से मेरी मिसल कौन है, लिहाजा मीजा मुझे तो मेरा रब खिलाता और पिलाता है, तुम अपने मामलात को अपनी जो इंसानी जरूरियात हैं उन तक रखो। तो ये इस शेर में मैंने उस हदीस से इस्तफादा किया है। चर्चे तहे खा
सलामत ये मोहम्मद का शेर सरदार साहब ने जिस अहद में आकर सलाम की बेइज्जत हुई वहाँ इंसान जो तबकात में बटे हुए थे वहाँ इंसान जो ऊंच नीच के ऐसे रवैयों में तकसीम थे कि कोई किसी गुलाम को अपने सामने बैठने नहीं देता अगर कम तर दर्जे का है तो वो ऊंचे दर्जे वालों के सामने बैठ नहीं सकता था लेकिन जब सरकार तशरीफ लाए तो क्या तब्दीली आई सरदार नसीरुद्दीन साहब ने इसे मंजूर किया वो बराबरी का तूने दिया दर्श आदमी को वो बराबरी का तूने दिया दर्श
वैसी अता चाहिए।
तीन मिनट दो मिनट पहले इंशाल्लाह से करता हूँ। मैं जुबान आपके लिए यकीनन थोड़ी मुख्तलिफ होगी, पंजाबी जुबान है, लेकिन जो जिस शख्स का कलाम है उसे रोमी कश्मीर कहा जाता है। हजरत मियां मोहम्मद बख्श आपके खड़ी, ये पंजाबी के जो पंजाबी समझते हैं वो भी, वैसे सूफी का कलाम वैसे दिलों में उतर जाता है, कोई समझे या ना समझे। लेकिन मैं सैफी मलूक से, क्योंकि मैं मेरे आबाओ अजदाद का ताल्लुक कश्मीर से है, लिहाजा ये मेरी पढ़ने का एक हिस्सा है, वो अशार सैफी मलूक के सुन। इतनी अच्छी अच्छी बातें
असील साहब ने भी की और नूर मोहम्मद जलाल साहब ने, जो कि 3 दिन पहले पाकिस्तान से तशरीफ लाए, अभी जेट लैग ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हमारी दरख्वास्त पे वो यहाँ पे पहुँचाए। तो एजाज साहब की हौसला अफजाई के लिए एक किस्सा असील साहब ने सुनाया और एक मैं सुनाना चाह रहा हूँ। इतनी पुरानी बात नहीं है, मेरे ख्याल से आप मेरी तस्दीक कीजिएगा, मेरे ख्याल से सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के लिए किस्सा है कि जब उन्होंने एक दफ़ा जुम्मे की नमाज़ पढ़ाने के लिए बालाकोट तशरीफ ला रहे थे, ये उस जमाने की बात है जब ना रोड्स थी, ना एयर ट्रैवल थी, ना गाड़ियाँ थी, पैदल आना जाना होता था। सो ही ट्रैवल ऑल द वे फ्रॉम फार फेच प्लेसेस टू बालाकोट। जब वहाँ पे पहुँचे तो खबर फैल चुकी थी, लोग आना शुरू हो गए, दूर दूर से गांव से लोग आए। अगर आप बालाकोट गए तो इट्स अ माउंटेनस रेंज, पहाड़ी इलाका है जहाँ से लोग दूर दूर से आते थे। सारे लोग पहुँच रहे थे, जुमे का खताब उन्होंने किया और ज़ाहिर जितनी भी मस्जिद थी या जो भी उनका ईदगाह थी जगह भर चुकी थी। वो अपना बयान ख़त्म कर चुके, जुमे की नमाज हो गई और लोग अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। तो एक बूढ़ा देहाती दूर से बेचारा चलता हुआ बड़ी देर से पहुंचा और सब लोग जा चुके थे तो सैयद अहमद शहीद मौजूद थे वहाँ पे। तो उनसे पूछा कि क्या जुमा हो गया? उन्होंने कहा हो गया। खताब हो गया? उन्होंने कहा हो गया। उन्होंने कहा ओहो मैं तो मिस कर बैठा। तो उन्होंने कहा तू सिर्फ खुतबा सुनने के लिए आया था, नमाज पढ़ने के लिए? कहते हाँ मैं तो उन्हें भी सुनने के लिए आया था। उन्होंने कहा चल बैठ। तो एक बंदा बैठ गया, उन्होंने जो खुतबा दिया था जुमे की नमाज में वो सारे का सारा रिपीट कर दिया। जब रिपीट किया तो जब रिपीटिशन हो रही थी तो वो बंदा सारों बता रो रहा था बैठा हुआ। तो उसने कहा कि आप रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने बुजुर्गों ने फरमाया कि तू रो क्यों रहा है अल्लाह के बंदे? उसने कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियत और एक बंदे के लिए सारी तकरीर दोबारा रिपीट कर दी। उसने कहा तू एक बंदा है और मैं भी तो एक ही को राजी करने के लिए आया हूँ, क्या पता तेरी वजह से आज मुझसे वो राजी हो जाए। तो नूर मोहम्मद जलाल साहब को अल्लाह सुबहाना ताला ने बड़ी इज्जत बख्शी, बड़ा ज़ौक बख्शा। नात लिखते हैं, अभी 2 किताबों की इन्होंने पब्लिकेशन की है माशाल्लाह। 2 किताबें पाइपलाइन में हैं। अभी 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ, जब हमारा 23 मार्च का इवेंट होता है, वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट पाकिस्तान में होता है, उसमें वो नात पढ़ते हैं, लाखों के मजमे में जाके पढ़ते हैं। तो जिस दिल से उन्होंने यहाँ पे हमें नाते सुनाए, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और उनका आना यहाँ पे कबूल मकबूल फरमाए। मसला ये है कि ये रमज़ान मुबारक का जो बाबरकत महीना है, इसमें हमें हुक्म दिया गया है कि हम हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फॉलो करते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास एक ऐसा नमूना है हयात है कि हमें उनके होते हुए किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हम्बल, बड़ी डाउन टू अर्थ जिंदगी गुजारी, लेकिन जनरासिटी में उनका कोई मुकाम नहीं था। कोई नहीं पहुंच सकता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हिसाब से जितनी जनरासिटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कोई उसको नहीं पहुँच सकता। लेकिन जब रमजान मुबारक का महीना आता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनरासिटी जो है वो इस तरह फैल जाती थी, जिस तरह अहदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ लाइक अ ब्लोइंग विंड। अब जब विंड आती है तो क्या करती है? अब जब विंड ब्लो करती है तो उसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें साथ में आती हैं जो फ्रूटफुल होती हैं, जिसका फ़ायदा इंसान को होता है, नबातात को होता है, हशरात को होता है, जितनी भी लिविंग बींग्स हैं उन सबको उसका फ़ायदा होता है। कहीं से वो हवा चलती है, अब हवा ऐसे नहीं चल सकती कि अगर वो आ रही है रास्ते में देखें कि एक हाई राइज बिल्डिंग है या एक बड़ा सा घर बना हुआ, उसको छुए और अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे। दैट्स नॉट हाउ इट हैपेंस। विंड क्या करती है? व्हेन द विंड ब्लोस तो वो क्या करती है कि वो दरख्त को भी छूती है, वो उस घर को भी छूती है, वो छोटे बच्चे को भी छू के गुजरती है, बड़े इंसान को भी छू के गुजरती है, दरख्त को भी गुजरती है, ख्वाह वो कोई जानवर है उसको भी छू के गुजरती है। मतलब ये है कि हर चीज़ को उसका फ़ायदा पहुँचता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जनरासिटी थी, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में इनकी हैबिट ऑफ गिविंग थी,
वो इस हद तक ऑप्टिमल लेवल तक पहुंच जाती थी कि हर शख्स, हर लिविंग बीइंग जो भी थी वो उससे उसका फायदा उठाती थी। तो ये वो तालीमात है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी। फिर आगे इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि चैरिटी इज लाइक अ सीड। अब सीड क्या है, इसको थोड़ा सा हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं उलमा से जो हमने सीखा है। लेट्स से कि आपके पास यू हैव अ पीस ऑफ एन एप्पल, आपके पास एप्पल है, आप उसको खाते हैं, खाते जाते हैं 97-98% ऑफ द पीस आप खा जाते हैं, तो आखिरी जो सीड रह जाते हैं आप उसको फेंक देते हैं। अब वो जो सीड आपने फेंक दिया, उस सीड से क्या हुआ कि वो जमीन में चला गया। जब जमीन में चला गया उससे दरख्त निकला। अब वो जब दरख्त निकलता है तो वो कितने और ज्यादा फल देता है, आप खुद सोचिए कि एक दरख्त के साथ हजारों फल लग सकते हैं, एक दरख्त के साथ सैकड़ों के हिसाब से और सेब लग सकते हैं। आपने सिर्फ क्या काम किया, All you did was you left like 2-2.5% of the portion of the apple, वो आपने ज़मीन में फेंक दिया और बाकी उससे ग्रो होता गया और अल्लाह सुबहाना व तआला लोगों को उसका फ़ायदा देते गए। अब उससे फ़ायदा कौन उठाता है, इंसान भी उठाते हैं, जानवर भी उठाते हैं, परिंदे भी उठाते हैं, हर किस्म के हशरात नबतात जितनी भी अल्लाह ताला की मखलूक है वो सारी की सारी उससे फ़ायदा उठाती हैं। सो चैरिटी की भी मिसाल एग्जैक्टली इसी तरह से है। आपके पास अल्लाह ने दिया हुआ जितना कुछ भी है, व्हाटएवर अमाउंट इज, आप जानते हैं और आपका अल्लाह जानता है और कोई नहीं जानता, सिर्फ आप जानते हैं और आपका अल्लाह जानता है कि आपके पास कितना है। उसका 2.5% जो हम ज़कात देते हैं बेसिकली वही होता है, और अगर आप उससे ज्यादा देंगे तो आप अल्लाह के साथ डीलिंग कर रहे हैं। तो वो जो 2.5% आप अल्लाह की रजा के लिए दे रहे हैं उससे बाकी की बाकी जो हमारी ह्यूमैनिटी है वो परवान चढ़ रही होती है। रमजान के महीने में वो जो 2.5% है या 1% है या 3% जो भी आप देते हैं रमजान के महीने में, अल्लाह सुबहाना व तआला जिस तरह नफल का सवाब फर्ज में तब्दील हो जाता है, फर्ज का सवाब 70 times चला जाता है और अप टू 700 times प्लस, इट डिपेंड्स कि आपकी नीयत कितनी अच्छी है, आपका दिल कितना साफ है, आप उस काम के लिए कितना अपने दिल से अल्लाह की रजा की खातर इस काम को बढ़ा रहे हैं, तो अल्लाह सुबहाना ताला उसको मल्टीप्लाई किए जाते हैं। और जब क्यामत वाले दिन हमारा नामा अमाल खुलेगा तो हमें अंदाजा भी नहीं होगा कि हमने किया क्या था और हमें मिला क्या। सो इस रमजान के महीने की जो बरकत है वो इसीलिए है कि इसमें अल्लाह सुबहाना ताला ने इसका रिवॉर्ड अपने हाथ में रखा हुआ है, वो अपने हिसाब से इसका रिवॉर्ड देते हैं। सो जितनी भी चैरिटीज की हमें अहदीस मिलती है या जितनी भी हमें स्टोरीज मिलती है उससे कुछ चीज़ें ऐसी जो हम इस दुनिया में देख सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो हमें आखिरत में जाकर मिलेंगी। एक छोटी सी स्टोरी है, फिर उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। एक शख्स है वो इजिप्ट से निकलता है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है, तो वो डॉक्टर्स के पास जाता है, डॉक्टर से कहता है कि मेरी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है तो मुझे चेक करो। तो वो देखता है कि उसकी 90% आर्टरीज ऑफ ब्लॉक, उसकी 90% आर्टरीज खुला था तो ब्लड फ्लो नहीं है। उसने कहा कि अगर हम आपकी यहाँ पे सर्जरी करेंगे देयर इज नो वे यू विल बी सक्सेसफुल, यू हैव टू गो टू जर्मनी। वो जर्मनी चला जाता है, ही गोज टू जर्मनी। जर्मनी में जाके देखता है कि डॉक्टर्स ने उसको चेकअप किया, चेकअप करने के बाद देखता है कि उसकी ब्लॉकेज का लेवल इतना ज़्यादा है कि लाइफ एंड डेथ सिचुएशन 50-50। उसने कहता है 50% चांसेस है कि आप बच जाए, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, और 50% चांसेस आर कि आप ना मर सके। उसने कहते हैं मैं मरना तो मेरे वैसे भी है, तो गिव मी एटलीस्ट अ वीक टाइम ताकि मैं वापस जाके अपनी फैमिली से मिलकर आ जाता हूँ, आई जस्ट गिव देम अ फेयरवेल विजिट, तो फिर वापस आके अगर मेरे नसीब में जिंदगी हुई तो मैं बच जाऊँगा, नहीं तो एटलीस्ट आई वुड हैव अ फेयरवेल टू माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली मेंबर्स। जाता है वापस इजिप्ट में, जाके सबसे मिलता है, व्हेन ही पासेस बाय अ मार्केट, मार्केट से गुजरता है तो एक बूढ़ी औरत जो बुचर की शाप होती है उसके जो पीसेस ऑफ मीट जो नीचे गिर जाते हैं उसको उठा रही होती है, उसको देखते हुए उठा रही थी। उसने कहा कि व्हाई आर यू पिकिंग अप दीस पीसेस ऑफ मीट, तो वो कहती है कि मेरे जो बच्चे हैं उनको मीट चाहिए और उन्होंने कई महीनों से मीट का शोरबा भी नहीं चखा, तो मैं उसके लिए ये उठा के लेके जा रही हूँ। तो ये दिस गाय हैड मनी, इसके पास कभी लेकिन कभी ख्याल नहीं आया इसके, तो क्या कहता है, कहता है कि आप इस तरह करो, हर हफ्ते
हफ्ते ये आपसे मीट लेगी जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है, और उसके पैसे मैं आपको एडवांस में दे के जा रहा हूँ। इनको जितना है इनकी फैमिली के लिए बेचे ये आपको दे दो, और हेयर इज द मनी आप फ्रंट, तो उनको बता दो। अब जब ये बात कर रहा था वो बता उससे बुचर शॉप वाले से, तो उस औरत ने अपने हाथ उठाए और उसने अल्लाह ताला से दुआएं मांगना शुरू की, और वो जो दुआ निकलती है ना वो दिल से निकलती है। वो दुआ जो दिल से निकली तो उसने उस शख्स की काया ही पकड़ ली। वो घर जाता है, घर जाके देखता है कि नेक्स्ट डे उसकी फ्लाइट है, जर्मनी चला जाता है, जाता है जाके देखता है तो पूछता है कि आप कौन से डॉक्टर के पास गए थे, वेडिंग जी को सिकम ले तो कहीं भी नहीं गया। उसने कहा कि आपकी सारी आर्टरी जो है वो ब्लॉकेज खत्म हो चुकी है, व्हाट हैपेंड। उसने कहा मैं तो किसी के पास गया भी नहीं, आई नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी छोटी सी, जो मेरे दिमाग में कभी आई नहीं ये बात, ये छोटी सी मेरी एफर्ट्स के बदले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी इतनी बड़ी क्लैमिटी को दूर कर दिया। सो हम लोग जो यहाँ पे जितने भी हजरात के अहबाब बैठे हुए हैं, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप ये ना देखें कि ब्यूटी ऑफ ह्यूमैनिटी कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ना देखें कि इसको कौन चला रहा है, ये ना देखें कि ये आपका पैसा जाया होगा कि नहीं होगा, इजाज़ साहब वहाँ पे बैठे हुए, आप देखें जो ना साथ से एक शख्स अपनी अनटायरिंग एफर्ट्स, मुझे पता है मैं इनको जानता हूँ कि इनकी एलिंग हेल्थ कंडीशन है, उसके बावजूद ये कोशिश करते हैं कि किसी एक फैमिली को ब्लैंकेट मिल जाए, खाना मिल जाए, किसी बेवा का के घर में चूल्हा जल जाए, किसी बच्ची की शादी हो जाए, किसी को कोई होमलेस है तो उसको शेल्टर मिल जाए, किसी के घर में खाना नहीं है तो उसको खाना मिल जाए, और हमारी और आपकी छोटी मोटी कंट्रीब्यूशन से अगर किसी का घर बच सकता है तो इससे बड़ी सादत की बात क्या हो सकती है। और इनसे मैंने पूछा है कि आपका टारगेट कितना है, जब मैंने उनसे टारगेट पूछा तो मैंने कहा माशाल्लाह ये तो बड़ा अचीवेबल टारगेट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज रमज़ान के महीने में इफ्तार के वक्त लोग कम आते हैं, जनरली ये जो हमारा वर्चुअल सेटअप शुरू हो चुका है ना इसकी वजह से पर्सनली लोगों का इस तरह के इवेंट्स में आना थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर ना कोई बात नहीं इंशाल्लाह। तो मैं ही सोच रहा था कि अगर हम चांस दें, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, तीन दफ़ा बोलूँगा अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अगर किसी के दिल में ये बात डल जाती है तो फिर नहीं जलती तो वो गो टू द नेक्स्ट लेवल। मैं ये चाहता हूँ कि ये $5,000 का लेवल कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी बिग टारगेट के जिसको 5,000 के लिए हमें इतनी फिक्र करनी पड़े। अगर 5 लोग हाथ खड़ा कर देंगे मैं $1,000 अरेंजमेंट करके दूंगा, अगर आपके पास $1,000 अभी है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है आप उसकी जिम्मेदारी उठा लें, जिस तरह उन्होंने जिम्मेदारी उठाई हुई है सारे पाकिस्तान में जितने भी गरीब हैं, आप जितने गरीबों को ये पहुँच सकते हैं उनकी मर्जी, अल्लाह ताला कितना काम लेना चाहते हैं अल्लाह जानता है, वो जानते हैं। आप ये कर सकते हैं, मैं ये कर सकता हूँ माशाल्लाह, तकबीर वो हमारे भाई उन्होंने $1,000 की कमिटमेंट दी है, अल्लाह ताला कबूल फरमाया, उनसे इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, अल्लाह ताला आपके बारे में अल्लाह सुभान व तआला माशाल्लाह नूर मोहम्मद जलाल नूर साहब जनाब $1,000 उनकी तरफ से 2,000 हो गई जी। अच्छा जो जिन लोगों ने पहल किए ना इसमें अल्लाह सुभान व तआला इनके बारे में, ये हमारे शेख मौजूद हैं ऑथेंटिक हदीस है, हर रोज सुबह 2 फरिश्ते उतरते आसमान से, हर रोज एक फरिश्ता ये दुआ करता है कि या अल्लाह जिसने तेरी रजा की खातिर दिया उसको और दे, एक फरिश्ता जी अल्लाहुम्मा आतिमुन फिकन हलफ, या अल्लाह जिसने तेरी रजा की खातिर दिया तू उसको और दे, और जो दूसरा फरिश्ता है वो कहता है कि जिसने अपने आप अपने पैसे को विदहोल्ड किया उसको डिस्ट्रॉय कर। तो अभी हमने फैसला करना है कि कौन से फरिश्ते की बात हो रही है। देखें अगर मैं और आप यहाँ में अमेरिका में बैठे हुए हैं तो वी कैन अफोर्ड $1,000 विदाउट एनी हेजिटेशन, हर एक कर सकता है, या तो मैं खुद कर सकता हूँ या मैं आपको अरेंजमेंट करके दे सकता हूँ। तो हमारे पास इस वक्त $2,000 हो गए, $1,000 उन्होंने दी, $1,000 नूर साहब ने, $1,000 मेरी तरफ से इंशाअल्लाह अल्लाह सुभान व तआला मेरे वालदेन को इसका सवाब पहुँचाए। अभी हमारे पास 2,000 की कमी है, 2,000 खत्म होते ही इमाम साहब से मैं कहूँगा कि वो दुआ फरमाएं ताकि ये कबूलियत दुआ का वक्त है। आखिरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो भी आजाद सोच रहे हैं कि हमने 2,000 हमें 5,000 का टारगेट है, इससे ज़्यादा का टारगेट ही नहीं। एक बाबा जी के पास एक शख्स जाता है, वो जाके कहता है यार मैं अपना
बूढ़ा हो गया हूँ मरने के गिरे हूँ, लेकिन मौत से बड़ा सख्त डर रहा है। उसने कहा अच्छा बहुत डर रहा है, क्या वजह है, किस वजह से डर रहे? आपके माँ बाप के दर कहते वो तो मर गए, दादी दादा वो भी मर गए, नानी नाना चले गए, ताया ताई वो भी चले गए, दोस्त अहबाब बहुत सारे लोग चले गए, थोड़े रह गए। कहते सारे वहाँ पे चले गए तू भी चला जाएगा, तो फिर उसमें परेशानी वाली क्या बात है, तैयारी नहीं है। उसने कहा अच्छा ये बात है, तो फिर एक काम कर मैं तुझे एक नुस्खा देता हूँ। वो नुस्खा अपने पास रख ले, जिस तरह दुनिया में होता है ना, अब देखिए जब लोगों की शादी होती है तो शादी में हम लोग कोशिश करते हैं कि जब दूल्हा दुल्हन बात करके आ रहे हों तो ज़्यादा लोग हों हाल में, यही हमारी ख्वाहिश है। इस तरह पॉलिटिकल अगर कोई कंग्रीगेशन है उस पर आप जाके देखें, जितनी ज़्यादा बड़ी गैदरिंग होगी इतना ज़्यादा आने वाला मेहमान खुश होगा कि यार आज मुझे बड़े ज़्यादा लोगों ने रिसीव किया। तो यही चाहता है ना, कहता हाँ यही चाहता हूँ। तो एक काम कर, बाबा जी ने एक बड़ी मजेदार एडवाइस, उसने कहा एक काम कर, काम ये कर के आन जहाँ पे तू जा रहा है ना वहाँ पे लोगों के साथ तल्लुकात बनाना शुरू कर। उन्होंने कैसे बनाऊँ? उसने कहा इस तरह कर, हर रोज़ तू एक दफ़ा सूरह अल-फातिहा पढ़ और तीन दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़। सबसे पहले इसको इशारे स्वाब कर हदीयतन तो फ़तह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा इकराम को, ताबईन तबा ताबईन और हमारे इकराम मुशाहिदान, और फिर खुसूसन अपने वालदेन और अपने जितने भी दोस्त अहबाब जिनको तू जानता है उनका नाम लेना शुरू कर और लिस्ट को बढ़ाता जा, लिस्ट को बढ़ाता जा। और इसके साथ एक और काम कर, उनके भी आप पे एक रुपया, एक डॉलर, दो डॉलर, पाँच डॉलर, दस डॉलर देखे, सबको कलेक्टिवली उसका सवाब पहुँचाता था। तो ये सब आप खुद सोच के, फॉर एग्जाम्पल तू यहाँ पे रह रहा है डैलस में और तेरा रिश्तेदारों के सब दोस्त अहबाब न्यूयॉर्क में, सुबह जब वो जाग के पहुँचते हैं तो उनके पास एक फ्लावर्स का बुके पहुँचा होता है, एक गिफ्ट पहुँचा होता है, जब वो घर आते हैं तो एक गिफ्ट पहुँचा हुआ होता है उनके पास, और ये काम सारा साल चलता रहता है। और एक दिन ऐसा आता है कि उन सब दोस्तों को न्यूयॉर्क में पता चल जाता है कि वो जो हमें हर रोज गिफ्ट भेजने वाला शख्स था आज वो खुद आ रहा है। तो कैसा वो फील होगा, तो कैसा फील करेगा? कहते हैं वो तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे मुझे रिसीव करने के लिए आएंगे। कहते हैं अगर तुझे चाहिए कि नए लोगों की कंपनी में वहाँ पे जाके रहे तो उनको गिफ्ट भेजना शुरू कर। तो ये गिफ्ट मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज $100, $50, $500 जितना भी आप कमिट कर सकते हैं वो आप आज से गिफ्ट भेजना शुरू कर दें। जिम्मेदारी लगाए शेख साहब की, ये इंशाल्लाह आपके बिहार में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन डिजर्विंग लोगों के लिए जो इस वक्त मुताज बैठे हैं, जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास शेल्टर नहीं है, जिनके पास क्लोथिंग नहीं है, जिनके पास कपड़े नहीं है। आप उनका सहारा बनिए, अल्लाह सुब्हानहु तआला आपका सहारा बनेंगे उस दिन जिस दिन कोई और सहारा नहीं होगा। तो मैं दो दफ़ा कहूँगा कि अगर कोई दो हज़ार ऐसे हों जो $500 दे सकते हों ताकि हमारा टारगेट पूरा हो जाए, और फिर हम दुआ की तरफ से कोई से 2000 जो $500 देना चाहें अल्लाह की रजा की खातर, जिस तरह हमें हमारी सहाबा किराम के दौर से हमें ये चीज़ें मिलती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाज फरमाया करते थे किसी भी चीज़ के तो सहाबा अपना सब कुछ दे दिया करते थे। सो डू वी हैव अनदर करीम और करीमा जो अल्लाह की रजा की खातर अल्लाह के साथ कर्ज हसना के तौर पर $500 देना चाहे? माशाल्लाह तकबीर तकबीर, अल्लाह अकबर कहने में कोई हरकत नहीं, इंशाल्लाह सवाब भी मिलता है और उसकी कास्त भी कुछ नहीं, इंशाल्लाह तकबीर जज़ाकअल्लाह है 500। डू वी हैव अनदर करीम और करीमा $500 फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुभान अल्लाह इन्वेस्टमेंट विद अल्लाह। माशाल्लाह तकबीर तकबीर। तो हमारा 4000 का टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पूरा कर दिया, $1000 रहता है। तो $1000 के लिए देखना ये कि टाइम कितना है दुआ के लिए, हमारे पास 10 मिनट में 2-3 मिनट और ले लूँ। अच्छा कोई और ऐसे हजरात या खातिन कोई ऐसी जो $250 अल्लाह की रजा की खातर देना चाहें, अगर हमें 4 खातिन में दें तो हजार का माशाल्लाह 500 हो गए जी। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको दुनिया जान की खुशियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह ताला आपको बच्चों की खुशियाँ नसीब अता फरमाए, अल्लाह ताला किसी किस्म की कोई भी तकलीफ इस दुनिया में या आखिरत में अल्लाह ताला उससे रफ़ा दफ़ा फरमाए और अल्लाह ताला आपके इस सारे खैर को कबूल और मकबूल फरमाए। हमारा भी शॉर्ट ऑफ $500 इंशाल्लाह। तो कोई 5000 $100 दे दें अल्लाह के रज़ा के लिए, $100 5 माशाल्लाह।
अभी माशाल्लाह तो 300 रह गए इंशाल्लाह, 300 डॉलर की शॉर्टेज है, जो भी देना चाहे। आई नो कि कुछ लोगों ने डोनेशन में डाल भी नहीं आ रही, तो आखिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा असीन साहब से कि वो आपके दुआ फरमाएं। उससे पहले आपको कुछ कहना चाहूँगा, जजाकअल्लाह खैर। जो भी 5-10 डॉलर जितना भी आप देना चाहे अल्लाह की रजा की खातिर ज़रूर उसमें कभी भी अपनी है, जजाकअल्लाह खैर। मेरा ख्याल है कि आपको इफ्तार मौके देने उसके बाद में तो दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। इफ्तार वहाँ पर तैयार है, प्रोग्राम ये है कि इफ्तार ले लीजिएगा, उसके बाद में नमाज यहाँ पर हो जाएगी बैरमान, और फिर उसके बाद में इंशाल्लाह खाना तैयार होगा, फिर आप चले जाएंगे। तो इफ्तार वहाँ पर रेडी है, इफ्तार लेकर आ जाइए, उसके बाद में दुआ कर देंगे। بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ودوس کرتے ہیں یا اللہ سورة الفاتحہ سورة اخلاص کی تلاوت کی ہے دربار پیش کرتے ہیں پورا منظور فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تسمیہ حقیقی تن تحفہ تن دربار پیش کرتے ہیں پورا منظور فرما جملہ انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ازواج مطہرہ جميع مؤمنین بنا مسلمین مسلمات یا اللہ نے سب کے ارواح پیش کرتے ہیں پورا منظور فرما یا العالمین خصوصاً بالخصوص یا العالمین جتنے بھی یہاں موجود ہیں ہمارے والدین ہمارے عزیز اقربا ہمارے متعلقین آبا و اجداد میں سے جو بھی اس دنیا فان سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کے ارواح پیش کرتے ہیں پورا منظور فرما سب کے صغیرہ کو میرا گناہ کو معاف فرما درجات کو بلند فرما یا العالمین بھائی سیام یا العالمین مہمان کی طرح ہمارے پاس ہے یا اللہ اس کی عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرما یا العالمین جس مقصد کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں یا اللہ ہمارے شیخ صاحب کو اس ساتھ یا العالمین جس یا العالمین خلوص کے ساتھ اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے یا اللہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کے خاص طور پر کرم فرما یا العالمین جس نیت سے یا العالمین یہ ہم جمع ہوئے ہیں یا اللہ جن حضرات نے بھی کنٹریبیوشن کیا ہے یا اللہ جس احساس سے انہوں نے کیا ہے یا اللہ تم علیم ملا تو سلو ذات ہے یا اللہ ان کی انفارمیشن کو قبول منظور فرما یا العالمین کے گھروں میں خیر برکت عطا فرما یا العالمین جو بھی محنت کر رہے ہیں یا اللہ ان کو اپنے عظیم عطا فرما یا العالمین کو ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا یا العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاء قدرہ کا ذریعہ بنا یا العالمین جو بھی پریشان ہیں ان سب پریشانی دور فرما یا العالمین پاکت مہینہ کے صدقہ سے یا العالمین ہماری جو بھی پوری عبادات کے صدقہ سے یا العالمین ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما یا العالمین ہمارے شیخ صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کے یا العالمین عمر میں یا العالمین یا العالمین ان کے گھروں میں یا العالمین خیر خیر قدر عطا فرما یا العالمین ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا العالمین ایک دوسرے کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما یا العالمین کسی کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما یا العالمین جہاں بھی مسلمان ہیں یا العالمین انسان ہیں جو پریشانی کے عالم میں ہیں یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما یا العالمین بابت محنت کے صدقہ سے یا العالمین جس وقت سے انسانیت گزر رہی ہے یا اللہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم تمام کو اسے نجات عطا فرما یا العالمین یہ ہماری بدعمالیوں کا ذریعہ ہے یا العالمین ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے توبہ استغفار کو قبول فرما یا العالمین ہمارے دعاؤں کو قبول و منظور فرما ہماری نیک حاجات جسمانی پوری فرما جو بیمار کو شفا سے تندرستی عطا فرما یا العالمین ہر قسم کی ناگہانی آفات و مصیبات و بدیا سے محفوظ و محمود فرما اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله